सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। और आज के लेक्चर में हम सब फाइलम क्रस्टेशिया के जो दो क्लास मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि पिछला जो लेक्चर था हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो इसलिए मैंने वो दो क्लासेस छोड़ दिए थे। सो आज के इस लेक्चर में हम इसके जो दो क्लासेस हमने छोड़ दिए थे उसे कवर करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम इसके चार क्लासेस कवर कर चुके हैं, विच इज़ ब्रांचियोपोडा, ऑस्ट्राकोडा, कोपीपोडा और मे बी आई थिंक ब्रांचियोरिया। ये जो चार क्लासेस है, यस ये चार क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम जो क्लास सीरीपीडिया है और मेलाकोस्ट्रेका है वो कवर करेंगे। मेरी प्रोनंसिएशन में अगेन बोल रही हूँ, इधर उधर हो जाएगी, वो आप मैनेज कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। हमारी जो क्लास फिफ्थ है विच इज़ सीरीपीडिया, जो इसके क्रस्टेशियंस होते हैं, जो इसमें जो भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन में रहते हैं। मरीन में कहाँ पे रहते हैं, उसके बेस में, बेस साइड में रहते हैं, मतलब फ्री लिविंग होते हैं, अटैच टू रॉक, रॉक से होते हैं, शेल से, कोरल से, वो सब बेस में ही तो प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, तो बेस में ही ज़्यादातर ये रहते हैं। ये जो होते हैं कम्युनलिज फॉलो करते हैं, बस ज़्यादातर कम्युनलिज में रहते हैं, कभी कभार पैरासाइटिक भी होते हैं किसी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। कम्युनलिज्म मतलब समझते हो आप लोग, कम्युनलिज्म ही होता है। अगर जैसे आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको उससे कोई फायदा, आपको उससे बहुत फ़ायदा है, बट उसको आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपका प्रॉफिट है ना, उसका नुकसान है ना, उसका कोई गेन है, मगर आपका प्रॉफिट है, तो ये कम्युनलिज्म हो गया। वो व्हेल के साथ, फिश के साथ, टर्टल के साथ या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ कम्युनलिज्म में रहते हैं, और किसी किसी के साथ पैरासिटिक भी होते हैं। जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं वो या तो स्टॉक और सेसाइल, मतलब बात तो एक ही है, वो जो सेसाइल होते हैं, ठीक है। स्टॉक फॉर्म्स आर मस्कुलर फ्लेक्सिबल स्टॉक एंड पेडोनिकल विच इज़ अटैच टू सबस्ट्रेटम एट इट्स लोअर एंड एंड हैज़ द मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो स्टॉक होते हैं मतलब जिससे ये अटैच होते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से, जिससे भी जब ये अटैच होते हैं, जो पार्ट होता है, जो स्टॉक होता है, उसे पेडोनिकल कहते हैं। ये पेडोनिकल के थ्रू अटैच होते हैं और ये इनके बॉडी का मतलब मेजर रीज़न होता है। पेडोनिकल मतलब कोई स्टॉक है तो ऐसे नहीं कि छोटा मोटा रीज़न है, अच्छा बड़ा रीज़न होता है, मेजर रीज़न होता है इनके बॉडी का, ठीक है। सो और इनके जो दूसरा साइड होता है बॉडी का, जो दूसरा साइड होता है वो कैपिट्यूलम से प्रेजेंट होता है वहाँ के एंड में, मतलब एक एंड में पेडिनिकल स्टॉक और दूसरे एंड में कैपिटिकम, ठीक है। जो पेडिनिकल होता है प्री ओरल एंड होता है एनिमल एंड बियर द वेस्टिजेस ऑफ द लारल फर्स्ट एंटीना एंड द सेमन ग्लैंड। ये जो प्री ओरल कैविटी, तो मतलब माउथ से पहले आता ही है, मतलब अगर नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पेडिनिकल हो गया, फिर यहाँ से हमारा ऑर्गेनिज्म शुरू होता है, तो ये उसका माउथ है। ओह शिट यार, जस्ट अ मिनट। अगर तो यहाँ से ये ऑर्गेनिज्म हमारा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माउथ। तो अगर नीचे से देखा जाए तो ये प्री ओरल पार्ट हो गया, जो पेडिनिकल है वो प्री ओरल पार्ट होता है इनका, ठीक है। और इनके जो लार्वा होते हैं वो वेस्टिज ऑफ लार्वा फर्स्ट एंटीना एंड सेमन ग्लैंड, सेमन ग्लैंड प्रेजेंट होता है और एंटीना प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ सेमन ग्लैंड इज एडहेसिव इन नेचर, जो सेमन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो एडहेसिव इन नेचर होता है, मतलब एडहेसिव किसी भी चीज़ को होल्ड कर लेते हैं, जैसे कोरल्स में रहते हैं, स्टोन्स में रहते हैं, तो अटैच कैसे होते हैं उन चीज़ से, तो एडहेसिव इन नेचर। जो ये सेमन ग्लैंड होते हैं, जो ये अपना सिक्रीट करते हैं, जो भी म्यूकस, जो भी एंजाइम ये सिक्रीट करते हैं, उससे ये किसी भी उसके ऊपर सबस्ट्रेट से चिपक सकते हैं, ठीक है। जैसे वेल से कम्युनलिज्म कैसे फॉलो कर रहे हैं, वेल के साथ रह के, ऐसा तो नहीं कि वेल के बगल बगल चल रहे हैं, आ जाए मेरे दोस्त, ऐसा तो नहीं है, किसी उससे अटैच है, उसके पीठ पर अटैच है, जिससे उसे पता भी नहीं चल रहा, तो ये सेमन ग्लैंड के थ्रू ही होता है। द कैपिटिकुलम इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट द प्री ओरल पार्ट्स। जो कैपिटिकुलम है वो पूरी बॉडी कवर करता है, मगर प्री ओरल पार्ट्स वो कवर नहीं करता। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ कैरापेस और मेंटल, जो बॉडी होते हैं वो कैरापेस और मेंटल से कवर होता है। द मेंटल इज़ कवर्ड बाय फाइव प्लेट्स, और मेंटल जो कैरापेस भी है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो कैरापेस भी है वो भी कवर है फाइव प्लेट्स से। पिछले लेक्चर में जो हमारा जो लास्ट क्लास था शायद, हाँ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो ये ब्रांचियर एरिया था, इसका हमने देखा जो कैरापेस है ये थॉरेक्स और एब्डोमेन, सॉरी थॉरेस और हेड रीजन दोनों में प्रेजेंट है कैरापेस। इसमें है कैरापेस है, कैरापेस को भी फाइव प्लेट्स से कवर है। पोस्टेरियर डॉर्सल प्लेट्स जो होते हैं वो कैराइना होते हैं, अ पेयर ऑफ टर्गा होता है एंड अ पेयर ऑफ स्क्यूटा होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से
कवर होता है, 5 प्लेट्स होते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली जो है डायग्राम देख सकते हैं, ये टर्गम है, टर्गम है। ये बताया था आपका पोस्टेरियरली डोर्सल साइज में जो होता है क्रेनिया होता है, और ये स्क्यूटा होता है, और ये पूरा जो है आपका कैपिटुलम है, और उसके नीचे जो है पेडुनिकल है। ठीक है, आपने ये देख लिया। हमें नेक्स्ट जो बात करें, सेसाइल ब्रांचेस आर अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय मेम्ब्रेनस और कैलकेरेसियस बेसिस। जो सेसाइल ब्रांचलियट्स होते हैं वो सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं बाय मेम्ब्रेनस और कैलकेरेसियस बेसिस, या तो मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेनस कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या फिर कैल्शियस मतलब कैल्शियम से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उससे। बेसिस इज सराउंडेड बाय द वॉल ऑफ प्लेट्स एंड विद इन दिस वॉल द एनिमल इज कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम फॉर्म्ड बाय मूवेबल टर्गा एंड स्क्यूटा इन साइड द सेल। द सॉफ्ट बॉडी इज हेल्ड एट 90 डिग्री टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द हेड एंड द थोरेसिक अपेंडेजेस सिराए आर डायरेक्टली डायरेक्टेड अपवर्ड। जो सोसाइल फॉर्म होते हैं वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, मेम्ब्रेनस फॉर्म से या कैल्शियस फॉर्म से, और जो इनकी जो बॉडी वॉल होती है जो प्लेट्स होते हैं वो सराउंडेड कर रहे होते हैं बाय वॉल ऑफ प्लेट्स एंड विद इन दिस वॉल द एनिमल इज कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। और पूरा एनिमल जो है वो ऑपरक्यूलम से कवर होता है, जिसमें टर्गा मूवेबल होता है, स्क्यूटा मूवेबल होता है, मतलब टर्गा और स्क्यूटा जो है मूवेबल होता है। द शेल द सॉफ्ट बॉडी इज हेल्ड फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेड एंड थोरेसिक रीजन इज डायरेक्टली अपवर्ड। अब देखिए, जैसे गेट है, गेट बंद है, ठीक है, मान लीजिए एक जो जैसे दो गेट होते हैं, एक गेट है टर्गा, एक है स्क्यूटा। टर्गा स्क्यूटा खुल जाता है, ऑर्गेनिज्म बाहर चला जाता है, फ्लेक्सिबल सा बहुत सॉफ्ट सा बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल बाहर नहीं निकल जाता, वो उसी से अटैच होता है। मतलब जैसे वो फ्रॉग की टंग देख लीजिए, वो फ्रॉग की टंग है, जब वो किसी भी प्रे को खींचता है तो ऐसा तो नहीं उसकी टंग ही निकल के बाहर चली जाती है, फिर प्रे को पकड़ के टहल घूम के वापस आ जाती है, ऐसा तो नहीं होता। सो सिमिलरली वैसा होता है, जैसे टर्गा और स्क्यूटा खुला, ऑर्गेनिज्म बाहर निकला, उसने अपना प्रे कैप्चर किया एंड देन अंदर 90 डिग्री में प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली बात है। अब अपने सामने दो गेट रख लीजिए, एक टर्गा है एक स्क्यूटा है, दोनों खुलेगा तब आप बाहर जाएंगे। अब ये समझ लीजिए आपने हाथ से दोनों गेट को पकड़ रखा है, तो सिर्फ आपकी बॉडी मूव करेगी, जब आपकी बॉडी मूव करेगी तो हाथ पीछे रह जाएंगे। तो सेम वही प्रोसेस है, 90 डिग्री के एंगल में इनका जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल होता है वो अटैच होता है ऑफ द हेड एंड द थोरेसिक अपेंडिजेज आर डायरेक्टली अपवर्ड। और जो थोरासिक अपेंडिजेज है, जैसे मैंने बताया आपको, हाथ तो वहीं रहेगा जिससे आपने गेट को खोला, हाथ वहीं रहेगा, वो उसे गेट को पकड़ लिया, और पूरी जो बॉडी है वो आगे मूव कर गई। आपका जो प्रे है, जो थोरासिक में अपेंडिजेज है, उसके थ्रू आपने प्रे को कैप्चर कर एंड देन वापस अंदर आ गए। सो ये होता है सेसाइल ब्रांकियल्स में। ठीक है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ हेड एंड थोरेक्स। जो बॉडी होती है वो हेड की बनी होती है, थोरेक्स की बनी होती है, कोई एक्सटर्नल एविडेंस नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होती है। फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना आर मच रिड्यूस, एंटीना मच रिड्यूस होता है। सेकंड पेयर जो होता है वो बिल्कुल ही एबसेंट होता है एडल्ट्स में, मगर एडल्ट्स में एबसेंट होता है, मतलब कहने का ये हो गया, मगर लार्वा में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमें पॉइंट्स को देखना, हम बच्चे नहीं रहे हैं आप लोग, सो पॉइंट्स को देखिए, अगर एडल्ट में प्रेजेंट है तो लार्वा में एबसेंट होगा। बात को खुद रिलेट कीजिए और अपने दिमाग में नोट्स बनाइए, मतलब नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ। सिक्स पेयर ऑफ लॉन्ग बायरेमस थोरेसिक अपेंडिजेस कॉल्ड सिराई। सिक्स पेयर ऑफ बायरेमस मतलब ब्रांच अपेंडिजेस, थोरेसिक रीजन में 6 पेयर ऑफ ब्रांच बायरेमस अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे सिराई कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम जो है सेरिपीडिया रखा है। इसका नाम जो सेरिपीडिया रखा गया है वो इसी सिराई की वजह से रखा गया है। द सराय में भी लॉन्ग लंबे होते हैं, सीटा होता है, सीटा प्रेजेंट हो सकता है उसमें, मतलब बारीक बारीक एक्सटेंशंस, थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन दम एंड आर यूजफुल फॉर सस्पेंशन फीडिंग। मैंने जैसे बताया, बाहर निकलेंगे अपना जो भी वो है ऑर्गेनिज्म को कैच करा एंड देन अंदर, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं, ये जो है ये सिराई प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 पेयर्स ऑफ सिराई है, ये सिराई है। यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले सिराई में जो राइट हैंड साइड है, इस वाले सिराई में कोई सीटा प्रेजेंट नहीं है, बट इस वाले साइड में आप देख रहे हैं हेयर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट है, जिसे हम सीटा कह रहे हैं, ये प्रेजेंट है। टर्गम और स्क्यूटम याद रखिएगा, इसमें जो होते हैं मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं एज अ गेट की तरह, जैसे मैंने बताया वैसे है। ठीक है, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और द एनिमल्स मे बी हर्मोफ्रोडाइट। सेक्सेस जो होंगे सेपरेट होंगे या तो उसमें ही होंगे।
स्पर्म ट्रांसफर इट डायरेक्ट, जो स्पर्म का ट्रांसफर वो डायरेक्ट होता है। देयर आर सिक्स नेबुलस स्टार्स बिफोर द इमर्जेंस ऑफ नॉन फीडिंग काइपर्स लार्वा। मैंने बताया था जो मतलब प्रिमेटिव क्रस्टेशियंस होते हैं उसमें एक लार्वा प्रेजेंट होता है, मगर जो मॉडर्न होते हैं उसमें एक से ज़्यादा लार्वा का वो देखा जाता है, आपको सेवरल स्टेजेस ऑफ लार्वा देखे जाते हैं। तो सिमिलरली इनकी जो लार्वा होती है मतलब डेवलपमेंट के बाद जो लार्वा बनता है वो पहले नेपुलस बनता है, जो मतलब लार्वा के ना जो नेपुलस लार्वा होते हैं वो 6 लैक्स होते हैं, तो ये स्टार्स की तरह दिखता है, 6 लाख स्टार लार्वा जो उसकी तरह दिखता है, तो इसलिए बोल रहे हैं सर जो नेपुलस है वो 6 इन स्टार्स बिफोर द इमर्जेंस जो होता है नेपुलस जो होता है वो 6 इन स्टार्स की तरह दिखता है, उसके बाद वो साइप्रस लार्वा में कन्वर्ट होता है। साइप्रस लार्वा सेटल अंडर द सबस्ट्रैम एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट। और जो साइप्रस लार्वा होता है वो जाके सेटल डाउन हो जाता है किसी सबस्ट्रेट से, अटैच हो जाता है और फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस से वो एडल्ट बन जाता है। अगर मैं ये मेटामॉर्फोसिस जब से चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो क्लास अगर पढ़ पढ़ के बोर हो गए आप, एक सब फाइलम रह गया हमारा ऑल दो, अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले मेटामॉर्फोसिस पे एक लेक्चर बना दूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं पहले मेटामॉर्फोसिस में बना दूँ, उसके बाद जो इसका दूसरा सब फाइलम है यूरिनरी में उसमें बनाऊँ। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं एस्कोथोरक्स, डिनोरोगैस्टर्स, ट्राइपेस्टा एंड लेपस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जब हमारी नेक्स्ट क्लास है हम उसकी बात करते हैं। क्लास 6 जो है वो है मालाकोस्ट्राका। जो मालाकोस्ट्राका ये एडवांस क्रस्टेशिया है, मतलब मोस्ट एडवांस है सारे क्लासेस में एडवांस क्रस्टेशिया। ये इंक्लूड्स करता है जो लार्जेस्ट साइज होते हैं जैसे क्रैब्स, लोबस्टर्स, श्रिम्प्स, इन सबको जो मालाकोस्ट्राका है ये इंक्लूड करता है। जो सिफेलिक रीजन होता है इस फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सेगमेंट, द ट्रंक रीजन कंसिस्ट ऑफ 5 थोरासिक एंड 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। जो सिफेलिक रीजन है इनका जो हेड रीजन है वो फ्यूजन बना होता है, फ्यूज मतलब उससे कुछ सेगमेंट होते हैं थोरासिक सेगमेंट से फ्यूज होकर बना हुआ होता है, और इनके पास जो होता है 5 थोरासिक और 6 एब्डोमिनल रीजन होते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर ट्रंक के जिक्र हुआ है, ट्रंक है मतलब एब्डोमिनल और थोरासिक रीजन दोनों प्रेजेंट है। एडिशनली अ पोस्ट एब्डोमिनल टेल्सन फॉर्म पार्ट ऑफ टेल फिन एंड हेड कैरीज नॉन सेगमेंटेड रोस्ट्रम। हेड जो होता है इनका नॉन सेगमेंटेड रोस्ट्रम कैरी करता है। मैंने बता दी रोस्ट्रम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट आई को प्रोटेक्ट करना, जो भी हेड में अपेंडिजेज एंटीना वेंटीना उनके बेसिस को कवर अप करना, ये सारे काम रोस्ट्रम के हैं। जो पोस्ट एब्डोमिनल टेल्सन होता है फॉर्म द पार्ट ऑफ टेल, वो टेल बनाता है या फिन बनाता है। ठीक है, जो कैरापेस होता है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, मगर जो इनका जो थोरेसिक अपेंडिजेज होते हैं उसे पैरापोड्स कहते हैं। तो थोरेस जो थोरेक्स रीजन में जितने भी अपेंडिजेज होते हैं उन सबको हम पैरापोड्स कहते हैं, और वो वॉकिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए, इन सब के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड एंडोपोडाइट यूज फॉर क्रॉलिंग एंड प्रीहेंशन। इनका पास जो होता है वो एंडोपोडाइट जो होता है वेल डेवलप होता है। एंडोपोडाइट मतलब जितना भी लेग रीजन आ गया, चलने वाला रीजन जितना भी आ गया, अभी हम उसकी डिटेल देखेंगे, जितना भी रीजन आ गया लेग रीजन जो आ गया वो सारे क्रॉलिंग के लिए, प्रिहेंशन के लिए बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। ये कैरापेस से कवर है, किसी किसी में बता दिया मैंने कैरापेस प्रेजेंट भी हो सकता है, कैरापेस नहीं भी प्रेजेंट होता है। ये रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम का मेन काम आई को ही प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद आता है कि कोई सा भी एंटीना वेंटीना जो भी है प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कैरापेस है तो कैरापेस ही प्रोटेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो उसके बेसिस जो कैरापोर्स वैरापोर्स के बेसिस है उसे ये जो है रोस्ट्रम प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैलीपोर्ट्स बता दिया मैंने आपको, एब्डोमेन के सेगमेंट्स को पैलीपोर्ट्स बोलते हैं। टेल्सन है, टेल्सन या तो फिल बनाएगी या फिन बनाएगी या टेल बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरेसिक लेग्स हैव गिल्स। जो थोरेसिक लेग्स होते हैं, थोरेक्स के जो लेग्स होते हैं उनके पास गिल्स भी होता है, यूजली मॉडिफाइड एपिपोडाइट, और ज़्यादातर जो होते हैं एपिपोडाइट के साथ मॉडिफाइड हो जाते हैं, एपिपोडाइट के साथ मॉडिफाई हुए हुए रहते हैं। इन मैली मालाकोस्ट्रेशन फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिज आर मॉडिफाइड इनटू मैक्सिलिपोडाइट यूज फॉर फीडिंग। जो पहला पेयर होता है थोरेसिक सेगमेंट का, बहुत सारे में देखा हमने, वो मैक्सिपेडीज में मॉडिफाई हुआ होता है। मैक्सिपेडीज का काम क्या होता है, फीडिंग। द फर्स्ट 5 पेयर ऑफ एबडोमिनल अपेंडिज कॉल्ड पैलीपोर्ट्स। जो पहले 5 पेयर होते हैं एबडोमिनल सेगमेंट के उसे पैलीपोर्ट्स कहते हैं।
दे मे ऑल्सो यूज फॉर बरिंग कैरिंग एग्स इन फीमेल्स एंड ऑफन फॉर गैस एक्सचेंज. ये जो पहली पोर्स होते हैं तो बरिंग गड्ढा खोदने के काम आते हैं, या फिर ये तो एग को जो है कैरी करके रखते हैं, या तो गैसेस एक्सचेंज में भी ये काम करते हैं. अब यहाँ पर इमेज देखिए आप, ये एपिपोडाइड है. एपिपोडाइड है जो मॉडिफाई हुआ हुआ है उसके साथ प्रोटोपोडाइड के साथ किसी किसी में मॉडिफाइड हुआ हुआ रहता है. एक्सोपोडाइड पिछले लेक्चर में देखा था हमने, सेगमेंटेड होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स का बना हुआ होता है, सेगमेंटेड होता है. अभी हमने जो यहाँ पर बात करती एंडोपोडाइड, एंडोपोडाइड देखिए ईशियम, मैरस, कैरपस और ये सब आते हैं आपके एंडोपोडाइड में. एंडोपोडाइड मतलब पूरा लेग का जो स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया लेग का, इसे एंडोपोडाइड कहते हैं. मतलब मेन जो जॉइंट होगा, जॉइंट को हम प्रोटोपोडाइट कह सकते हैं, और जॉइंट के जो अपेंडिजेस निकल रहे हैं वो एपिपोडाइट और एक्सोपोडाइट हो गए, और जो मेन स्ट्रक्चर हो गया मतलब जॉइंट के बाद का जो स्ट्रक्चर हो गया उसे एंडोपोडाइट हम कहते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम. जो मैलाकोस्ट्रेंस होते हैं जनरली हैव फोरगट मॉडिफाइड इनटू टू चैम्बर स्टोमक. जो इनका फोरगट होता है वो मॉडिफाइड होता है टू चैम्बर स्टोमक में. मतलब स्टोमक में जो होता है दो चैम्बर प्रेजेंट होता है इनमें. जैसे ये फोरगट है, ये डिवाइड हो गया, दो पार्ट में बन गया इनका स्टोमक. ठीक है, एक ये स्टोमक है, एक ये स्टोमक है. ठीक है, यहाँ पे या तो टीटरिंग टीथ प्रेजेंट हो गया बहुत ज़्यादा च्यूई करने के लिए, मतलब च्यूइंग करने के लिए ट्राइट्यूरेटिंग टीथ प्रेजेंट होंगे, खाने को अच्छे से और ज़्यादा ग्राइंड करने के लिए ट्राइट्यूरेटिंग टीथ प्रेजेंट होंगे, या कॉम लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे फॉर फिल्टरिंग, फिल्टरिंग के लिए सीटा प्रेजेंट होंगे इसमें. इसमें बारीक बारीक से एक्सटेंशन प्रेजेंट होंगे, ये लाइक एक्सटेंशन जो फूड को फिल्टर करने का काम करेंगे. इन मेल्स द फर्स्ट पेयर ऑफ एबडोमिनल अपेंडिजेज आर मॉडिफाइड एज स्कापुलेटरी ऑर्गन. जो मेल्स में जो एबडोमिनल अपेंडिज होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन में. मतलब कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब जिससे जिसके थ्रू वो स्पर्म जो है फीमेल में ट्रांसफर करेंगे. द फीमेल गोनोपोर आर लोकेटेड ऑन द सिक्स थोरेसिक सेगमेंट एंड द मेल गोनोपोर आर एट्थ. जो फीमेल गोनोपोर है जो जहाँ से जो भी ओवा है या फिर जो इस जहाँ से स्पर्म वो कैरी करेगी, मतलब स्पर्म अपने एग तक ले जाएगी, स्पर्म इनटेक करेगी, जो है वो सिक्स थोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है फीमेल में, और मेल में प्रेजेंट होता है एट्थ में. द लाइफ साइकिल ऑफ मैलाकोस्ट्रेंसन इंक्लूड मैनी लार्वल स्टेजेस बट नेपुलस स्टेज इज यूजली पास्ड इन द एग. जो लाइफ साइकिल होता है मैंने बताया था, जैसे एडवांस मैलाकोस्ट्रेंस होते हैं, जो एडवांस क्रस्टेशंस होते हैं, तो उनमें जो लार्वा होता है वो सेवरल लार्वा होता है, एक ही नहीं होता, बहुत सारा लार्वा होता है. ठीक है, मगर इनके में देखा जाता है नेपुलस स्टेज होते हैं, जो सिक्स लेग स्टेज होती है वो एग में ही पास हो जाती है. इसका एग्जांपल है यूफोसिया और पैलीमोनेलेटिया. होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.